हेलो गाइज, वेलकम टू SKM डिजिटल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक के एक ऐसे फैसिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका सेविंग अकाउंट है, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, अगर आपको उस पर FD का इंटरेस्ट रेट मिलने लगे तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको अपने बैंक अकाउंट में एक सर्विस को एक्टिवेट कराना होगा जिसका नाम है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। अब हम थोड़ा से ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ऑटो स्वीप फैसिलिटी है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए आप अपने बैंक में गए और अपने सेविंग अकाउंट पर ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा लेते हैं, तो जो आपका पर्टिकुलर अमाउंट बनेगा, जैसे कि मान लीजिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट कराने के लिए आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है, यानी कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपये होना चाहिए, तभी आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो जो आपका पर्टिकुलर अमाउंट बनेगा, उससे ऊपर आप जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करेंगे, वो ऑटोमेटिक स्वीप होकर FD में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका अगर पर्टिकुलर अमाउंट 25,000 रुपये है, तो आप 25,000 रुपये से ऊपर जो भी अमाउंट जमा करेंगे, वो ऑटोमेटिक स्वीप होकर FD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका 25,000 रुपये है, उस पर आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन जो आपके पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट आप जमा किए रहेंगे, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट जो ऑटोमेटिक स्वीप होकर FD में कन्वर्ट हुआ रहेगा, उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा बैंक के अकॉर्डिंग। यानी कि बैंक में उस टाइम जो आपको FD पर इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा, वही आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी पर भी मिलेगा। अब हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको सेविंग अकाउंट पर 2.7% का ब्याज मिलता है, तो वही अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा लेते हैं, तो जो ऑटोमेटिक अमाउंट स्वीप होगा, उस पर आपको लगभग 6% का ब्याज मिलेगा। ये बैंक के ऑफर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 40,000 रुपये है और आपने ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट नहीं करवाया है, तो आपका जो साल का ब्याज मिलेगा, उस पर आपको 2.7% का ब्याज मिलेगा। यानी अगर आपके अकाउंट में 40,000 रुपये है, तो जो उस पर साल का ब्याज मिलेगा, वो 1,080 रुपये आपका पूरा ब्याज होगा। लेकिन अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा लेते हैं, तो आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट 25,000 रुपये है, उसको छोड़कर जो आपका 15,000 रुपये का ऑटो स्वीप हुआ रहेगा, यानी FD में कन्वर्ट हुआ रहेगा, उस पर आपको लगभग 6% का ब्याज मिलेगा। तो अगर आप पूरे साल का देखेंगे, तो आपको जो साल भर का ब्याज मिलेगा 40,000 रुपये पर, वो आपको 1,613 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए कि मैंने अपने अकाउंट में 40,000 रुपये जमा कराया और मैं अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा ली, और मान लीजिए कि मेरा जो 15,000 रुपये है वो ऑटो स्वीप में चला गया, तो मान लीजिए कि जैसे कि मुझे अगर 30,000 रुपये की आवश्यकता पड़ गई, तो हम इसे किस तरीके से डेबिट करेंगे? मुझे तो FD क्लोज करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 40,000 रुपये जमा करवाया है और आपका 15,000 रुपये ऑटो स्वीप हो गया है और 25,000 रुपये आपका पर्टिकुलर अमाउंट बचा है, तो अगर मान लीजिए आपको 30,000 रुपये की आवश्यकता है, तो आप 30,000 रुपये निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका पर्टिकुलर अमाउंट कम होगा, तो जो आपका FD वाला अमाउंट ऑटो स्वीप रहेगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में आकर जमा हो जाएगा। यही होता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी का बेनिफिट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी को अपने सेविंग अकाउंट पर किस तरीके से एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर बैंक की बात करें, जैसे कि मैं SBI की बात कर लेता हूं, तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट कराने के लिए आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम 25,000 रुपये होना चाहिए। जैसे ही आप 25,000 रुपये से एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्वीप होकर वो FD में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑटो स्वीप सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए आप पर्सनली बैंक विजिट करके भी
वहां पर एक्टिवेट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास SBI का इंटरनेट बैंकिंग है या फिर आप योनो लाइट SBI यूज करते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी तो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप योनो लाइट SBI के माध्यम से भी ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखते हैं, यानी आप 40,000-50,000 रुपए हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में रखे रहते हैं, तो आप अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो सेव फैसिलिटी को एक्टिवेट करा लीजिए, क्योंकि आपको बार बार FD तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जैसे ही 25,000 रुपए से कम होगा तो ऑटोमेटिक वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जैसे ही आपका 25,000 रुपए से ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक स्वीप होकर वो FD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की बेनिफिट वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।